आज गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। ओ शांति, संगम युग पर अगर हम, अब मैं एक स्टेटमेंट देने जा रही हूं, दो चार दिन पहले किसी ने बात करते करते कहा, उन्होंने तो ऐसे ही कहा कि संगम युग पर अगर हमने बेफिकर बादशाह का अनुभव नहीं किया है, ये बात संगम गया तो सारा कल्प गया। इसलिए संगम युग पर ये परिवार गया तो सारा कल्प के लिए गया। परिवार का सुख अगर संगम पर नहीं लिया तो सारे कल्प भर हम खाली रह जाएंगे। अभी क्या मंजूर है? जो भाई बहने सेंटर पर जाकर के क्लास कर रहे हैं वो हाथ खड़े करो। ओके, जो भाई बहने ऑनलाइन कर रहे हैं वो हाथ खड़े करो। थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई विद्या बहन कहती है सेंटर पर रेगुलर कर रहे हैं या कभी कभी कर रहे रोज वाले हाथ खड़े करो, रोज रोज सेंटर पर जाके। हाँ, ऊंचे हाथ खड़े करो, नहीं तो संख्या कम हो जाएगी। 50-50 है, बाकी 50% क्या करेंगे? हाँ, बाकी 50 पहले भी तो जाते थे ना, पहले ऑनलाइन नहीं था ना। अब इसको छोड़ो, ये माया है, इसको छोड़ो छोड़ो, जीतो, ये कमजोरी है, इसको जीतो, ठीक है। बाकी एक बात और मैं कहूंगी, मुरली हम सुनते हैं, उसकी सुनिए, दुनिया भर की मुरली आजकल तो बहुत आ गई। जो भी सुनो, जिसकी भी सुनो, एक मुरली पर अच्छा अटेंशन दो, फुल अटेंशन दो, मनन चिंतन करो, उसका रस लो। अब होता क्या है, आपने 5-6 प्रकार के आलू तला हुआ, आलू उबला हुआ, आलू पकौड़ा, आलू है, आलू ही डिफरेंट रूप है, आपने तो उससे ताकत कैसे आएगी आपको? इसलिए जो भी सुनो, जो अच्छी लगे सुनो, लेकिन एक सुनो, फिर उसको रिपीट करो, मनन चिंतन करो, तो आपको शक्ति की महसूस होगी।